आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MQ-9 रीपर के बारे में। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में तो आपको पता ही चल गया होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 31 की संख्या में जो MQ-9B प्रेडेटर हैं, या जिनको हम MQ-9 रीपर भी कहते हैं, उनकी खरीद को मंजूरी दी गई है। लेकिन इसी बीच इस प्रोक्योरमेंट को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है FI की रिपोर्ट में कि भारत के द्वारा 31 की संख्या में जो ये ड्रोन्स हैं, ये चरणबद्ध तरीके से खरीदे जाएंगे, यानी फेज़ वन और फेज़ टू में पूरा प्रोक्योरमेंट होगा। अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट मीडिया से आई हैं, उस हिसाब से फेज़ वन में लिमिटेड नंबर्स में ये ड्रोन खरीदे जाएंगे, और जो फेज़ टू होगा उसमें वेपन्स, मॉडिफिकेशंस और दूसरी चीज़ें शामिल होने वाली हैं। दरअसल ये जो ड्रोन डील है, ये भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य संबंध की मजबूती का एक प्रतिबिंब बनने वाली है। MQ-9B प्रेडिटर, जो कि अपने एडवांस सर्विलेंस और रिकॉनसेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये भारत की इंटेलिजेंस गैदरिंग और दूसरे बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं, और इसीलिए इस प्रोक्योरमेंट को एक गेम चेंजर प्रोक्योरमेंट के तरह भी देखा जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन से सटे बॉर्डर पर, पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर इनके आने के बाद भारत की जो एरियल सर्विलेंस कैपेबिलिटी है और जो रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं भारत की जो सैन्य तैयारियाँ हैं, उनमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब अगर हम फेज़ वन की बात करें, तो फेज़ वन को लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ ड्रोन खरीदे जाएंगे, उनको टेस्ट से गुजारा जाएगा, और बाद में उनकी उपयोगिता के आधार पर, इंडियन डिफेंस सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो फेज़ टू में करी जाएगी। फेज़ टू में आपको मेनली वेपन्स देखने को मिलेंगे और मॉडिफिकेशन, जो कि भारत अपने अनुभवों के आधार पर करेगा, अपने ज़रूरतों के आधार पर करवाएगा, वो चीज़ें शामिल होंगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो फेज़ टू होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारत वहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी करवा सकेगा। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमने आपको पहले भी डिफेंस न्यूज़ के माध्यम से बताया कि इस ड्रोन के साथ आपको AGM-114 हेल फायर और PV-2 जैसे जो बॉम्ब्स हैं वो देखने को मिलेंगे। वहीं ये ड्रोन अपने साथ एयर टू एयर मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम होगा। इसके अलावा जो वहाँ पर जनरल एटॉमिक्स हैं, उनके द्वारा TOT भी ऑफर करी जाएगी इस ड्रोन की, जिसका इस्तेमाल भारत अपने खुद के हेल कैटेगरी के ड्रोन में इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन हेल को MQ-9 से कंपेयर करने के, और संभवतः अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पे आएगी। लेकिन आइए हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं MQ-9 रीपर के बारे में। दोस्तों, यूँ तो MQ-9 के बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन भारत जिस वेरिएंट को कंसीडर कर रहा है वो एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है, जिसका मतलब ये है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रिकॉनसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग में तो किया जा ही सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्ट्राइक मिशंस में भी ये ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अगर हम इनकी कैपेबिलिटीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो MQ-9 रीपर को जनरल एटॉमिक्स के द्वारा एक और नाम दिया गया है, जिसको हम प्रेडेटर बी भी पुकारते हैं। इन ड्रोन्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टी मिशन इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनसेंस मिशन को परफॉर्म करना, फिर चाहे वो लैंड हो या सी बेड हो, हर जगह ये काफ़ी इफेक्टिवली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में ट्रिपल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसिस फीचर करी गई हैं। इसके अलावा ये ड्रोन सी बैंड लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक कंट्रोल और KU बैंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट SATCOM डेटा लिंक कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि इनका जो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी है वो 90% से ज़्यादा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और इन्हें भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और इसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स की बात करें, तो MQ-9 रीपर को पावर करने के लिए हनीवेल TPE-331-10 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं इंजन्स का एक दूसरा वेरिएंट, जिसको हम TPE-331-12B के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी किया जाना है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाते हैं। जुलाई 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हनीवेल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि तकरीबन $100 मिलियन का था, जहां पर हनीवेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 88 की संख्या में जो ये इंजन्स हैं वो सप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो किट्स हैं, मेंटेनेंस सपोर्ट है, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा, ताकि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी STT-40 एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो इसी का जो एक इंजन का वेरिएंट है वो आपको MQ-9 रीपर में भी देखने को मिलेगा। अगर हम MQ-9B रीपर के मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट की बात करें, तो वो 4763 किलोग्राम का है, और पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए, तो इस ड्रोन की जो इंटरनल कैपेसिटी है वो 386 किलोग्राम्स की है,
जबकि ये 1361 किलोग्राम के पेलोड को एक्सटर्नली कैरी कर सकता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो ISR पेलोड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड सेंसर्स, उनको कैरी कर सकता है। लिनक्स मल्टी मोड रेडार कैरी कर सकता है, मल्टी मोड मैरीटाइम रेडार, ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सिग्नल इंटेलिजेंस, ESM सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन रिलेज को ये अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। अगर हम इसके वेपनाइज कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप काफ़ी दंग रह जाएंगे कि ये ड्रोन कितना ज़्यादा घातक है और क्यों इसको लेकर के इंडियन आर्म फोर्सेज इतनी ज़्यादा इच्छुक हैं, वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि इसका जो मैसिव स्ट्राइक पैकेज है और जिन वेपन्स को ये कैरी करता है, ये साक्षात दुश्मन के लिए काल से कम नहीं है। MQ-9 रीपर में टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर ये 4 AGM-114 हेलफायर मिसल्स को, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसल्स हैं, इनको कैरी कर सकता है, या फिर अपने साथ ये JBU-12 PeWe-2, जो कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जो कि 230 किलो के बॉम्ब्स हैं, उनको कैरी करने में सक्षम है। और दो की संख्या में ये जो बॉम्ब्स हैं, ये कैरी किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये JBU-38, जिसको हम जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी JDAM के नाम से जानते हैं, उनको भी ये कैरी करने में सक्षम है। और ये जो पेलोड हैं, ये मिशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। MQ-9 रीपर अपने साथ मल्टीपल AIM-9X ब्लॉक 2, जो कि AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइल्स हैं बेसिकली, इनको कैरी कर सकता है, जो कि एयर टू एयर इंगेजमेंट में इस्तेमाल करी जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये दावा किया जाता है कि इसका एयर टू एयर स्ट्राइक पैकेज इतना पावरफुल है कि ये इवन फाइटर जेट्स को भी अपना टारगेट बना सकता है। यानी अमेरिकी टेक्नोलॉजी वैसे तो अपने काफ़ी एडवांसमेंट के लिए जानी जाती है, तो उनके ड्रोन्स इसमें कैसे पीछे रहते। और ये ड्रोन ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन है, इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशंस में हुआ है, और यही कारण है कि भारत को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अब अगर हम इस ड्रोन के मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 50,000 फीट का, और इसका एंड्योरेंस टाइम है 27 घंटे, और ये तकरीबन 200 नॉट्स की जो ट्रू एयर स्पीड है उस पर, 240 नॉट्स की जो स्पीड है उस पर कह सकते हैं उड़ान भर सकता है। गौर करने वाली बात एक ये है कि अगर हम ट्रू एयर स्पीड की बात करें, ये हमें बताती है कि हाउ फास्ट द प्लेन इज मूविंग रिलेटिव टू द एयर अराउंड इट। तो ये हो गई इसके स्पेसिफिकेशंस की बात। अब आइए बात कर लेते हैं कि लोकल असेंबली को लेकर के भारत अमेरिका से क्या बातचीत कर रहा है, और अभी तक अमेरिका से क्या हमें ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि इसकी लोकल असेंबली को लेकर के क्या आगे का कदम होंगे। तो आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आई थी इस ड्रोन डील को लेकर के, उसमें कहा गया था कि भारत MQ-9, जो कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है, इनकी लोकल असेंबली को लेकर के अमेरिका से बातचीत कर रहा है। और इंडियन नेवी चीफ ने एक बार अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जितने भी संख्या में ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, उसकी 60% क्वांटिटी जो होगी एयरक्राफ्ट की, वो भारत में ही मैन्युफैक्चर करी जाएगी। और जनरल एटॉमिक्स के द्वारा भी इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कदम उठाए गए हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल एटॉमिक्स ने भारत फोर्स को ऑलरेडी पार्टनर कर रखा है, जो कि उसके मेन लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स को बनाएंगे। इसके अलावा जो सब असेंबलीज हैं और दूसरे सिस्टम्स के असेंबलीज हैं, उसके लिए भी जनरल एटॉमिक्स इसमें पार्टनर्स की तलाश में है। MQ-9 डील की बात करें तो इंडिया के द्वारा अमेरिका से ये भी कहा गया है कि इस ड्रोन में इस्तेमाल करी जाने वाली कुछ क्रिटिकल और नीच टेक्नोलॉजीज DRDO के साथ शेयर करी जाएं, ताकि जो इंडिजिनस डिज़ाइन है और डेवलपमेंट है हेल क्लास के रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट का DRDO के द्वारा, उसको एक बूस्ट मिल सके। तो अमेरिका इस पे मान भी गया है, और उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत को प्रदान भी करेगा। तो ये तो बात हो गई MQ-9B की।